पब्लिक टीवी आपकी आवाज। छजलैट थाना क्षेत्र से अगवा की गई किशोरी को पुलिस बरामद नहीं कर पाई तो परिजनों का सब्र जवाब दे गया। मंगलवार को परिवार की महिलाएं और पुरुषों ने एसएसपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और एसओ छजलैट को बर्खास्त करने की मांग की। छजलैट थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण की 17 वर्षीय बेटी 23 मार्च को अगवा कर ली गई थी। इस संबंध में छजलैट थाने में एक युवक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि किशोरी अपने साथ घर से सोने चांदी के जेवर और नकदी भी ले गई। माँ बाप और चाचा चाची का आरोप है कि पुलिस बेटी को अब तक बरामद नहीं कर पाई है, जबकि आरोपी और उसके परिवार के लोग केस वापस लेने के लिए धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि छजलैट थाना प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मी आरोपियों से मिले हैं, इसी कारण किशोरी को बरामद नहीं किया जा रहा। मंगलवार को महिलाएं और पुरुष अम्बेडकर पार्क पहुंच गए। यहां से महिलाएं अपने हाथों में छजलैट एसओ को बर्खास्त करो और किशोरी को बरामद करो के बैनर और पोस्टर लेकर एसएसपी कार्यालय की ओर बढ़े। इस दौरान एसओ छजलैट राम प्रताप पहुंच गए। उन्होंने महिलाओं और पुरुषों को समझाने की कोशिश की और आश्वासन दिया कि 3 दिन में किशोरी बरामद कर ली जाएगी। इसके बाद महिलाएं एसएसपी कार्यालय पहुंच गई और एसओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। परिवार के लोगों ने धमकी दी कि अगर 3 दिन में उनकी बेटी बरामद नहीं की गई तो एसएसपी कार्यालय के बाहर आत्मदाह कर लेंगे। एसओ छजलैट राम प्रताप का कहना है कि इस संबंध में केस दर्ज कर लिया गया है। मतलब अपहरण हो गया है और हमें इसके लिए जो 23 तारीख को हुई उसके लिए हमने थाने में FIR भी कराई, लेकिन आजकल करके लगभग कई दिन हो चुके हैं। ये अंदाजा लगा लो कितने दिन हो गए। थाना छजलैट है, ऐसे राम प्रताप सिंह है, वो सुनवाई नहीं कर रहे। क्या कहते हैं आपसे? ये कहते हैं कि अभी घर बैठो, कल दोपहर तक का समय दिया था, अभी तक कोई नहीं, इसलिए हमने यहाँ धरना दिया है। रोज ऐसे काम देते हैं, सुनवाई करनी पड़ेगी, उसको बर्खास्त भी करना पड़ेगा। आज आप किससे मिलने आए हैं? आज हम कप्तान साहब से मिलने आए हैं। क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं हमारी लड़की का रामा हमें मिल जाए। पैसों का क्या रोग है? पैसे भी ये तो आपको भी पता है, पैसे दे दीजिए। करते हैं कितने मांगे पैसे? 50,000 तारीख दरोगा है। अब कप्तान सिंह, कप्तान साहब के यहाँ जा रहे हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।